नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीवन में। दोस्तों, प्यार हमारे जीवन के लिए बहुत ही अहम है। अगर हमें ज़िंदगी को जीना है तो हमारे लिए प्यार बहुत ही ज़रूरी है। अब चाहे वो प्यार हम अपने माँ बाप से करें, अपने भाई बहन से करें, या अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी से करें, इन सभी के साथ हमारा रिश्ता प्यार का होता है। इन सभी के साथ हमारा रिश्ता अटूट होता है, वो रिश्ता जिसे हम कभी भी तोड़ना नहीं चाहते। हम कभी ऐसा नहीं चाहते कि हमारे रिश्ते कभी भी हमसे दूर जाएं। लेकिन कई बार हमारी कुछ गलतियों की वजह से ये रिश्ता ख़राब हो जाता है। सामने वाले की, हमारे पार्टनर की गलती की वजह से भी रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन गलतियों को सुधारें और रिश्ते की मजबूती को बरकरार रखें। अगर आपके रिश्ते में भी ऐसी ही कड़वाहट आ गई है, आपका पति, आपका बेटा, आपका प्रेमी या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे आप बहुत प्यार करते हैं वो आपसे अब बात नहीं करता, तो आपको एक कार्य, एक विधि को करना है, जिसे करने के बाद वो आपसे प्यार करेगा, आपकी बातों को सुनेगा, आपकी हर बात मानेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तो जो विधि, जो तरीका हम आपको बताएंगे, उस तरीके को आपको सही प्रकार से करना होगा। मंत्रोच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा, तभी ये विधि सार्थक होगी। विधि बहुत ही ये प्रचंड विधि है, इसलिए किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। सही मंशा और सही भाव से अगर आप इस विधि का प्रयोग करते हैं तो ये विधि सार्थक सिद्धि होगी और आपका हर कार्य हो जाएगा। अपना समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि इस विधि को करने के लिए आपको किस सामग्री की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए होगा एक कागज, थोड़ा सा शहद, बस इतनी ही चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। मैं आपको ये प्रचंड विधि बताती हूँ जिसका आपको ये कार्य करना है। आपको एक पर्चे पर अपना नाम लिखना है और अपने द्वारा की गई गलतियाँ लिखनी हैं, जिनसे रिश्ता खराब हुआ है, जिनसे आपका रिश्ता ख़त्म होने की नौबत आ गई है। और दूसरी तरफ कागज पर आपको अपने पार्टनर का नाम लिखना है और उनके द्वारा की गई गलतियों को लिखना है। अब दोनों कागज को शहद की सहायता से चिपका लें और एक लिफाफे में पैक कर लें। और ऐसा करते वक्त आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है 21 बार। इस लिफाफे को अपने दिल के पास रखना है और इससे आपको 2 दिन तक अपने पास ही रखना है, और फिर आपको इसे किसी सुनसान जगह पर ले जाकर जला देना है। जैसे ही आप इस कागज़ को जलाएंगे, आपके रिश्ते की जो भी गलतियां हैं वो सभी गलतियां समाप्त हो जाएंगी और आपका रिश्ता वापस पहले की तरह स्ट्रांग हो जाएगा, या फिर यूँ कहूँ कि पहले से भी ज़्यादा मजबूती अब आपके रिश्ते में आ जाएगी। पहले से ज़्यादा प्यार अब आपके रिश्ते में आ जाएगा। आपका पार्टनर आप पहले से भी ज़्यादा चाहने लगेगा। तो बिना समय बर्बाद किए इस विधि को अपना कर अपने पार्टनर को अपने पास लाएं। और इसमें जो मंत्र है वो मंत्र आपको गुरुजी को फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है नंबर, उस नंबर पर गुरुजी को फ़ोन करें और मंत्र को प्राप्त करें, क्योंकि सबकी राशि और ग्रह के हिसाब से सारे मंत्र अलग होते हैं। आप गुरुजी से अपना मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई समस्या है तो आप गुरुजी से बात कर अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। जय माता दी।